खेतों में धान काफ़ी नुकसान हुआ है, जगह जगह खाली छूटे पड़े हैं। यहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर लेई बोए थे, मतलब धान को पानी भिंगा के थोड़ा अंकुरित होने के बाद इसमें बोए थे, जिसके कारण पानी दर पर भरने से बीज सड़ गए और कई कई जगह किनारे में जो धान छूटे हैं यहाँ पर केकड़ों द्वारा उनको खा लिया गया, तो काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये फसल तो एक ही बार होता है साल भर में, तो काफ़ी नुकसान भी हो गए हैं। कई जगह धान अच्छे हैं और कई जगह धान बिल्कुल ही नहीं है, तो उतने जगह का नुकसान हो गया है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस खेत का वातावरण देखकर? मैं इससे यही शिक्षा देना चाहूँगा आप लोग को कि हमको रास्ता तो काफ़ी मिलता है, सुविधाएं भी मिलती हैं, पर अगर हम उसका सही से यूज़ करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में काफ़ी परेशानियां आती हैं, मुसीबत आती हैं। आप जैसे खेतों में देख सकते हैं कि काफ़ी घास थे, मिट्टी ठीक नहीं है, कहीं पानी कमी, ये सब अगर वो सब पर्याप्त मात्रा में होता और सही से उसका देखभाल होता तो आज वो धान भी अच्छे होते। कई कई जगह हैं, कई जगह नहीं हैं, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी काफ़ी परेशानी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर हम उसका सही से सामना नहीं करेंगे, उनको सही से देखभाल करते हुए अपने रास्ते का अगर नहीं चलेंगे तो हम अपने मंजिल में नहीं पा सकते या कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने जो साधन हैं उनको खोजना है, क्या हमारे साधन हैं, उसके बाद ही हम अपने मंजिल को पार कर सकते हैं, पा सकते हैं, अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इनसे हम काफ़ी सीख मिल सकता है हमें, और सीख लेना भी चाहिए अपने गलतियों से, कभी उसे हार नहीं मानना चाहिए, ना कभी उतना अपसेट नहीं होना है कि मैं हार गया हूँ, मेरे को ये परेशानी हो गया, हमें अगले बार क्या करना है, क्या अचीव करना है, ये सब के बारे में हमें सोचते हुए चलना है और अपने काम को पूरा करते रहना है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। तो ओके, बाय दोस्तों।